एवरीबॉडी, हम स्टेप टू पे आ चुके हैं। स्टेप टू में कुछ चीजें हैं जो आपके, हम कह सकते हैं, प्री रिक्विजिट्स हैं, जो आपका प्रोडक्ट सोर्सिंग स्टार्ट करने से पहले क्लियर होनी चाहिए चीजें, इफ यू रियली वांट टू गेट सक्सेस इन इट। ठीक है, सबसे पहली चीज ऑब्वियसली आपका अमेजोन अकाउंट रेडी होना चाहिए टू आपको फॉर प्रिंटिंग लेबल्स और रिसर्चिंग एवरीथिंग। तो अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट के साथ जा रहे हो, आप ब्रांड रजिस्ट्री के साथ जाना चाह रहे हो जो कि रिकमेंडेड है, तो आप LLC वाले अकाउंट के साथ ही जाओगे। अगर आप विदाउट ब्रांड रजिस्ट्री जाना चाह रहे हो तो इंडिविजुअल के साथ भी जा सकते हो, बट उसकी लिमिटेशंस होती हैं। तो आप रिकमेंडेड है कि आप प्रोफेशनल अकाउंट विद LLC जाओ और उसके साथ ब्रांड रजिस्ट्री भी करा दो। ठीक है, अगर तो आप प्रोडक्ट टेस्ट नहीं कर रहे, प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, बेशक ब्रांड रजिस्ट्री ना करो, लेकिन आप, आपकी प्रोडक्ट टेस्टिंग हो चुकी है या आपको क्लियर है, आपको कॉन्फिडेंस है प्रोडक्ट पे, तो देन बेशक आप ब्रांड रजिस्ट्री के साथ ही लॉन्च करो तो ज्यादा इफेक्टिव है। देन आपने अपना प्रोडक्ट डिजाइन फाइनलाइज कर लेना है। डिजाइन आपने फाइनलाइज कर लेना है मल्टीपल फैक्टर्स की बेस पे। एक तो आपने पैटर्न भी देख लेना है, पैटर्न के साथ आपने नीच के एनालिसिस भी कर लेना है। ये नहीं कि आपने टॉप कंपेटिटर का डिजाइन उठा लिया। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट रिसर्च रिलेटेड चीजें बता देता हूँ। टॉप कंपेटिटर का डिजाइन नहीं उठाना, आपने अपना कंपटीशन देखना है कि लेट्स सपोज 10 ब्लैक बिक रहे हैं, 2 रेड बिक रहे हैं, तो क्या अगर वो 2 रेड अच्छी सेल्स ले रहे हैं तो आप 10 ब्लैक के बजाय 2 रेड वाली मार्केट क्यों ना कैप्चर करो, जो अभी वहां पे भी नीच में उसकी मार्केट आ रही है और उसको वो सेल्स भी अच्छी ले रहे हैं। तो आप रेड वालों के साथ डोमिनेट कर लो। आपका 2 10 के मुकाबले में आपको 2 के साथ कंपटीशन करना है। अब फिर उन 2 को, वो 2 आपके कंपेटिटर्स होंगे, उन 2 को आप डिजाइन एनालाइज करोगे, उन 2 की प्राइस आप देखोगे, उन 2 की आप ऑफर देखोगे, उस लिहाज से देन आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे डिजाइन सिलेक्ट करके और उसकी वैलिडेशन करके ऑफ अमेजोन, ऑन अमेजोन, पिंटरेस्ट, उसके ट्रेंड्स देख के देन आप उसको रिसर्च कर लो, उसको फाइनलाइज कर लो। देन ऑब्वियसली आपने अपना, अगर आपकी कोई पैक साइज, कोई प्रोडक्ट में पैक साइज सेल हो रहा है या जनरली प्रोडक्ट का जो साइज है वो भी आपने वेरीफाई कर लेना है कि मुझे किस डायमेंशन में लॉन्च करनी है FBA फीस एनालाइज करने के बाद। ठीक है, सेकेंड चीज आपने अपना ये डिसाइड कर लेना है कि आप पैक साइज या आपके प्रोडक्ट में कोई और एडिशनल चीजें हैं वो आप क्या देना चाह रहे हैं। ठीक है, देन आपका पैक साइज में आप देखो कि यार पैक ऑफ 4 ज्यादा बिक रहा है, पैक ऑफ 6 बिक रहा है। अब पैक ऑफ 6 ज्यादा बिक रहा हो बेशक, लेकिन आपने देखना उसके अलावा कौन सा पैक बिक रहा है जिसमें कंपटीशन कम है। अब पैक ऑफ 6 बिक रहा है, पैक ऑफ 2 बिक रहा है, लेकिन पैक ऑफ 6 के 10 सेलर्स हैं, पैक ऑफ 2 के 4 सेलर्स हैं, लेकिन पैक ऑफ 2 वाले पैक ऑफ 6 वालों के इक्वल और थोड़ा सा कम सेल्स ले रहे हैं, तो पैक ऑफ 2 वाले में कंपटीशन कम है पैक ऑफ 6 के मुकाबले में, तो आप पैक ऑफ 2 में जाओ। ठीक है, देन प्रोडक्ट कस्टमर रिसर्च ऑन एंड ऑफ अमेजोन, ऑब्वियसली ये आप लाजमी करना है। रिव्यूज एनालाइज करो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट, पेन पॉइंट्स कस्टमर के नोट करो, क्योंकि आपने वो चीजें अपनी प्रोडक्ट्स में इंप्रूव करवानी है। ऑफ अमेजोन आप जाओ, पिंटरेस्ट पे देखो, एटसी पे देखो, रेडिट पे प्रोडक्ट से देखो कि लोग क्या रिसर्च कर रहे हैं इस चीज से रिलेटेड, क्योंकि पिंटरेस्ट पे और एटसी पे आपको कुछ एडवांस डिजाइन आइडियाज मिल जाएंगे जो अमेजोन पे अभी नहीं आए। ठीक है, और वो आइडियाज अगर वहाँ पे वो अच्छी सेल्स ले रहे हैं, अच्छे उनके वीडियोज हैं, सब कुछ है, और तो आप जाके ना वो सेम डिजाइन सोर्स कर सकते हो और मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो अपनी मार्केट में। ठीक है, उस डिजाइन को और इम्प्रूव करके, आपको पता है वो डिजाइन चल रहा है, वेरीफाइड है, बायर पर्सोना शुड बी रेडी। आपको पता हो कि आप किसके लिए बना रहे हो। बायर पर्सोना क्या होता है? बायर पर्सोना होता है कि जो भी आपका एक आइडियल कस्टमर है ना, जिसने आपकी प्रोडक्ट को यूज करना है, बाय करना है, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट किसके लिए। आपकी प्रोडक्ट मेंस के लिए है, मेंस के अंदर आपकी प्रोडक्ट 40 ईयर्स मेंस के लिए है, या यंग यंग मेंस के लिए, उसके बाद मैरिड मैरिड के लिए है या नॉन मैरिड के लिए। ठीक है, उसके अलावा फैमिली वालों के लिए है या फैमिली वालों के लिए नहीं है। इसके अलावा आप उसके एट्रीब्यूट्स पे जा सकते हो, उसकी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पे जा सकते हो कि वर्किंग वर्किंग मैन है। ठीक है, उसके अलावा वो उनके जो एम्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं लाइफ में, उनका पेन पॉइंट क्या है, वो उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आप इस पे गूगल यूट्यूब पे जाकर रिसर्च भी कर सकते हो, हाउ टू मेक अ बायर पर्सोना। ठीक है, फॉर योर प्रोडक्ट, अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से बायर पर्सोना बनाओ, उसका रिसर्च करो, उसके ऑडियंस पे रिसर्च करो, ताकि आप अपनी कॉपी, अपनी हर चीज़, अपनी इमेजेस उस हिसाब से डिज़ाइन करवाओ जो आपकी आइडियल बायर पर्सोना को अट्रैक्ट करे। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप डिटेल में बात भी करेंगे हम इंशाल्लाह, लेकिन आपको आइडिया दे रहा हूँ। देन आ जाता है आपका, ये हमने इस पे बात कर ली, इधर प्रॉफिट मार्जिन एनालिसिस फॉर द टारगेट डिजाइन, और इसके लिए आपको इसी से नेक्स्ट स्टेप में हम प्रॉफिट मार्जिन एनालिसिस कर लेंगे। आई थिंक इस स्टेप का पार्ट है, हाँ 2.2 इस स्टेप का नहीं, हाँ स्टेप 1 का पार्ट। तो स्टेप 1 के अंदर ही हम ना ये चीज देख लेंगे प्रॉफिट मार्जिन, तो वो वीडियो आपको इससे पहले होपफुली मिल जाएगी, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन एनालिसिस विद शीट आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लेंगे। देन पेटेंट चेक ऑब्वियसली आपने करना है डिजाइन फाइनलाइज करते टाइम ही, और एक सोर्स से नहीं करना, मल्टीपल सोर्सेस से करना है ताकि आपको कंफर्म हो जाए। ठीक है, और देन ऑब्वियसली जब आप रिसर्च करोगे तो आपको पता होगा कि आपने क्या चीज ऐड करनी है, इसके साथ आप डाल लो वैल्यू एडिशन US। अब वैल्यू एडिशन किसी भी किस्म की हो सकती है, वैल्यू एडिशन प्राइस तो बहुत बेसिक है। ठीक है, प्राइस तो आप कोई भी लो प्राइस पे सोर्स कर ले, आप चाइनीज मैन्युफैक्चरर आ जाए वो लो प्राइस पे लॉन्च कर दे, तो फिर
तो वैल्यू एडिशन इज समथिंग के यार आप प्रोडक्ट बेशक आप डिज़ाइन सेम करो, लेकिन उसमें कोई एडिशनल फीचर्स भी आप दे सकते हो, इवन कोई कलर का चेंज भी दे सकते हो, और उसके अंदर आप ना थोड़ी सी चेंज कर दो, या आप ऑफ अमेजोन रिसर्च कर दो, डिज़ाइन नहीं बिक रहा उस डिज़ाइन से इंस्पायरेशन लेके अपना डिज़ाइन ही उसके अंदर कोई एडिशनल बेनिफिट ऐड कर दो। इवन वैल्यू एडिशन ये भी होती है कि आप कोई चीज़ का कॉम्बो बना दो उसके साथ, लेकिन कॉम्बो कोई भी बना सकते, लेकिन ये कि ये भी एक फैक्टर है, अगर कोई भी कॉम्बो नहीं बेच रहा तो आप थोड़े टाइम के लिए कोई ऐसी चीज़ ऐड कर दो जो उस प्रोडक्ट को कंट्रीब्यूट कर रही हो, उसके साथ मैच कर रही हो, उससे रिलेटेड हो, तो आप छोटी सी ऐड और वो आपको इतना कॉस्टली भी नहीं पड़ रही, उसको अपने साथ ऐड कर दो अपनी प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। और यूनिक सेलिंग पॉइंट आप उसको अपना बना सकते हो उस चीज़ को भी, और जो जो बहुत ही ज़्यादा पेन पॉइंट है उसको सॉल्व करके भी आप अपना उसको यूनिक सेलिंग पॉइंट बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी तो ही आप अच्छी सोर्सिंग कर पाओगे, नहीं तो आप अच्छी सोर्सिंग नहीं कर पाओगे, आप फंस जाओगे, ठीक है, लॉन्च के बाद फंस जाओगे। तो ये चीज़ें लाजमी क्लियर करनी, जैसे ये प्री रिक्विजिट्स बताना आपको ज़रूरी थे, और इनको आप लाजमी नोट कर लें, और इस पे हर पॉइंट पे आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए अपने पास, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।